वरकातु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम गोली भजिया बना रहे हैं। हमने पाव किलो मैदे का आटा लिया है, 100 ग्राम चावल का आटा लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, तेल तलने को लगेगा, 10 से 12 करी लीव्स को बारीक चॉप करके लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा हमने बारीक चॉप करके लिया है, कोथमीर जाएगी इसमें, और हमने 10 से 12 हरी मिर्ची चॉप करके लिया है एकदम बारीक, और हमने 100 ग्राम दही लिया है। अब बनाने का तरीका बता दें। सबसे पहले हम मैदे का आटा डाल देंगे, चावल का आटा भी डाल देंगे, और ये जो हमने आपको बताया है मिर्ची, कोथमीर, कड़ी पत्ता, जीरा और जो नारियल का टुकड़ा, गीले नारियल का बारीक करके हमने लिया है चॉप करके, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और ये दही डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको अपने हाथ की मदद से अच्छे से इसको कला कर लेंगे। अपने को एकदम पतला भी नहीं करना है और ना ही गाढ़ा, जैसे भजिए को अपन करते हैं ना वैसी ही इसको कलाना है, इस तरीके से ही इसको मिक्स करना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है, नहीं तो इसमें लम्स रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा भजिया। जितना ज़्यादा घोटेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा इसका। अब इसका हमने फाइन बैटर बना दिया है, अब इसको तलकर आपको दिखाएंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम गोली भजिए की चटनी पीस के लेंगे। हमने भुनी हुई दाल लिया है 50 ग्राम, 10 से 12 हमने हरी मिर्ची लिया है, और एक नारियल का टुकड़ा हमने इस तरीके से काट के लिया है। अब इसको पीस कर दिखाएंगे आपको। चटनी पीस के रेडी है, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बघार देंगे हम इसमें। अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे इसके अंदर, मिर्ची डालेंगे लाल मिर्ची, और चटनी अभी एक प्याले में निकाल दी हमने, और जो बघार दिखाए थे आपको 1 टीस्पून हमने इसमें जीरा डाला था, अब ये सब इसमें तड़का डाल देंगे। अब ये चटनी बनकर रेडी है, अब हम गोली भजिया तलेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम गोली भजिया इस तरीके से डालेंगे। इसके अंदर सोडा भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं, अपने आप ही ये अच्छे से फूल जाएगा। और ये रमज़ान में इंशाल्लाह बनाओ और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये गोली भजिया, बहुत टेस्टी लगता है ये। देखो माशाल्लाह कितने अच्छे से गोली भजिया बन गया है। अब हम डिश आउट करके आपको बताएंगे। सिर्फ 10 मिनट इसको लगा मेरे को बनाने के लिए, तलने के लिए, इसको झटपट बन जाती है रेसिपी। अभी हम डिश आउट करके आपको बताते हैं। गोली भजिया बनके रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि रोज़ की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेंगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।